भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री और जो अधिकारी हैं इस मामले को रफा दफा करने के प्रयास में हैं। हम लोगों की ये मांग है कि तत्काल रूप से श्रीकांत को गिरफ्तार करने के बाद जो है पूरी जांच कराई जाए। सुना आपने सपा के कद्दावर नेता रविदास मेहरोत्रा किस तरह अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो लखनऊ की KGMU यूनिवर्सिटी में हुई जालसाजी से खासा नाराज हैं और उस पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव को तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री और जो अधिकारी हैं इस मामले को रफा दफा करने के प्रयास में हैं। हम लोगों की ये मांग है कि तत्काल रूप से श्रीकांत को गिरफ्तार करने के बाद जो है पूरी जांच कराई जाए। राजधानी लखनऊ की सरजमी पर मौजूद सबसे बड़ी और नामचीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुए कथित घोटाले का मामला समंदर की तरह गहराता जा रहा है। देश के जाने माने अखबारों से लेकर सोशल मीडिया पर इस वक्त कथित ब्रिटिश नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव को HOD बनाने का मामला तूल पकड़ रहा है। देश के जाने माने अखबार दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक KGMU वृद्धावस्था मानसिक रोग विभाग के हेड डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव की ज्वाइनिंग नियमों के खिलाफ जाकर की गई। नियम के मुताबिक कोई भी विदेशी नागरिक हिंदुस्तान में सरकारी पद पर नहीं बैठ सकता। बावजूद इसके प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव को सबसे खास डिपार्टमेंट का सर्वे सर्वा बना दिया गया और सभी लोग खामोश रहे। उनकी ब्रिटिश नागरिकता के तमाम सबूत इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें सबसे खास कागज मेडिकल प्रोडक्शन सोसाइटी का फॉर्म है जिसमें श्रीकांत श्रीवास्तव ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश लिखी है। इसी कागज का हवाला देते हुए सपा विधायक रविदास ने भी KGMU के बहाने प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। रविदास मेहरोत्रा का आरोप है कि BJP सरकार और अधिकारी कथित जालसाज प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा इस मामले पर सख्त एक्शन लेते हुए प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव को गिरफ्तार करना चाहिए। प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी एक मामला चल रहा, जो बड़े अखबारों में तमाम सोशल मीडिया पे चीज़ वायरल हो रही है कि जो वहाँ पर मानसिक और वृद्ध अवस्था के जो डॉक्टर हैं, जो वहाँ के HOD हैं डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव, उनकी जो नियुक्ति पूरी तरीके से गलत है। 2010 में जो उन्होंने नियुक्ति मिली थी उस समय डॉक्यूमेंट के हिसाब से पता चल रहा कि वो विदेशी नागरिक थे, और विदेशी नागरिक को इतने बड़े पद पर किस तरह से नियुक्ति की गई। मेडिकल कॉलेज के वृद्धावस्था और मानसिक विभाग के एक डॉक्टर श्रीकांत, जो 2010 से मेडिकल कॉलेज में जॉब पे हैं, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दाखिल किए थे वो फर्जी हैं और वो विदेशी नागरिक हैं। मेरे पास ये सबूत है कि वो सिंगापुर जो है उन्होंने फार्म भरा है सिंगापुर यूनिवर्सिटी में, और वो मेडिकल वहाँ से उन्होंने किया है। तो इस तरीके से ये फर्जी जो है डॉक्यूमेंट लगा करके विदेशी नागरिक यहाँ पर नौकरी कर रहा है, और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको बचाने का प्रयास कर रही है। पुलिस तथ्यों को छुपाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री और जो अधिकारी हैं इस मामले को रफा दफा करने के प्रयास में हैं। हम लोगों की ये मांग है कि तत्काल रूप से श्रीकांत को गिरफ्तार करने के बाद जो है पूरी जांच कराई जाए। अभी कुछ दिनों पहले इस मामले में पूर्व IPS अधिकारी और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अमिताभ ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जांच की मांग की है। साथ ही पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने कथित जालसाजी की शिकायत राज्यपाल से भी की है। यह घोर आश्चर्य का विषय है कि जो व्यक्ति आमतौर पर सिंगापुर में रह रहा है स्वयं दावा कर रहा है कि सिंगापुर में रहता है, जो व्यक्ति खुद को ब्रिटिश नागरिक बता रहा है, हमारे देश में गैर देशों के लोगों को इस तरह प्रोफेसर होना आवश्यक मतलब पूर्णतया त्याज्य है, वर्जित है, वो न्यूनतम आवश्यक निहित अत्यंत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन इंडियन नेशनल होना, और आप एक ब्रिटिश नागरिक को यहाँ पर आपने कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया, कैसे एसोसिएट बनाया। इन मामलों को लेकर मैंने राज्यपाल महोदया से शिकायत भेजी है, लेकिन जो तथ्य इधर आ रहे हैं कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मिला, KGMU का जो मुझे रेस्पॉन्स मिला है वह इतना कैजुअल है
और इतना लापरवाह है, गैर जिम्मेदारी भरा है। वहाँ के संभवतः वहाँ के प्रवक्ता या किसी डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जो होगा सो होगा, सब ठीक कर लिया गया होगा, अगर कुछ गलत भी रहा होगा तो ठीक कर लिया होगा, ऐसा संभवतः उनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा। इस मामले में अब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता जवाब नहीं आया। हालांकि सूत्रों की माने तो यूनिवर्सिटी ने एचओडी बने ब्रिटिश नागरिक श्रीकांत श्रीवास्तव के सारे कागज खंगालने शुरू कर दिए हैं और बची कुछ ही कसर सपा के कद्दावर नेता और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने पूरी कर दी। देश के जाने माने अखबार मुस्लिम मिरर में भी इस खबर को प्रमुखता से छापा गया, जिसके बाद सबसे पहले यह मामला संज्ञान में आया। मुस्लिम मिरर ने सबूतों के साथ इस खबर को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया। इतना ही नहीं, इस मामले पर देश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट और डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के अध्यक्ष दानिश खान ने भी ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए दानिश खान ने लिखा कि लखनऊ के केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में वृद्धावस्था मानसिक विभाग के एचओडी श्रीकांत श्रीवास्तव, जिनकी नियुक्ति पूर्णतः गलत हुई है, उक्त व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है बल्कि विदेशी नागरिक है, साक्ष्य हमारे पास है, कृपया मौजूद साक्ष्यों की गहनता से परीक्षण करने की आवश्यकता है। इस ट्वीट में दानिश खान ने सरकार से जांच की अपील भी की। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव की ज्वाइनिंग साल 2010 में हुई थी। उस वक्त प्रदेश में मायावती की सरकार थी, उसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और फिर यूपी में बीजेपी की सरकार आ गई। अब इसे डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव की ऊंची पहुंच और रसूख ही कहेंगे कि इतना बड़ा कांड करने के बावजूद आज तारीख तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का आरोप है कि डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव इस सेवा में 2010 में आए और उस समय के नियम के अनुसार सरकारी सेवा में कोई भी विदेशी नागरिक अपनी सेवाएं नहीं दे सकता था। उनका चयन सबसे पहले आरंभिक पद यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ। 12 साल अपनी सेवा देने के बाद प्रमोशन के माध्यम से वो प्रोफेसर हुए, ये नियमानुसार उनकी नियुक्ति पूर्णतः गलत है। उनकी दलील है कि रिकमेंडेशन का नियम अभी हाल में आया है और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एपेक्स इंस्टीट्यूट में ही लागू है, जबकि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का एपेक्स इंस्टीट्यूट नहीं है और ये नियम एपेक्स इंस्टीट्यूट में भी पूर्णकालिक पदों के लिए लागू नहीं होता, जबकि डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव फुल टाइम यानी पूर्णकालिक पद पर साल 2010 से सेवाएं दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि डॉक्टर श्रीकांत की ये घपलेबाजी अकेले अंजाम नहीं दी गई। यकीनन जब परतें खुलेंगी तो कई सफेदपोश बेनकाब होंगे। लखनऊ से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।